लिए जिद्दी करोगे? हाँ करेंगे। Once more. देखिए हमारे घर में खेती कितनी ज़्यादा सुंदर हो गई है। और आज है सप्तमी और बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारी खेती हो रही है। यहाँ पे आरुष बैठा हुआ है, लिटिल सिंगम में आप, और ये नहा धो के एकदम हो गया है रेडी। और यहाँ पे आरव, हेलो आरव, आरव भी हो गया है रेडी और वो देख रहे हैं लिटिल सिंगम, है ना आरुष। तो दोस्तों सुपर गैनी में आप सभी का स्वागत है, जय माता दी आप सभी को। तो आज है सप्तमी यानी कि नवरात्रि का सातवां दिन और हम लोग जा रहे हैं अभी मत्था टेकने के लिए। तो यहाँ पे देखिए पीछे ना इतने सारे कपड़े धोए ना आज मैंने, क्योंकि आप लोगों को पता ही है ठंडे का मौसम स्टार्ट हो गया है, तो बच्चों के कपड़े, मेरे हस्बैंड आ रखे हैं तो उनके कपड़े, अपने बहुत सारे आज कपड़े धोए हैं मैंने। और अभी मेरे हस्बैंड गए हैं अपने लिए थोड़ी सी दवाई लेने के लिए, क्योंकि उनके गले में ना बहुत सारा पेन हो रहा है, इसीलिए मैंने बोला उनको कि जाके अपनी दवाई लेके आ जाओ। और बच्चे दोनों रेडी हो चुके हैं जैसे कि आप लोगों ने देखा। तो बस अब चलते हैं माथा टेक के आते हैं। हमारे यहीं पे है कटासन माता का मंदिर और माता रानी का मंदिर है, और इसीलिए हम लोग वहाँ जा रहे हैं माथा टेकते हैं अपने हस्बैंड के साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ। और मम्मी अभी जाएंगे अब माथा टेकने के लिए काली माता के मंदिर। यहाँ पे जो मम्मी के मंडी है ना, वो लोग पूरे 9 दिन तक माता का कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, और डैडी ड्यूटी जा चुके हैं। तो बनी रहिएगा ब्लॉग के साथ। ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और वीडियो ना फुल वॉच कीजिएगा प्लीज़, आप लोग के सपोर्ट की, आप लोग के प्यार की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बनी रहिएगा ब्लॉग के साथ, मिलती हूँ थोड़ी देर में। और बड़ी मुश्किलों से मेरे हस्बैंड आ गए हैं अपने शेविंग करवा के, बाल बुल कटवा के, और अब हम लोग जा रहे हैं माथा टेकने के लिए कटासन माता के मंदिर में। फटाफट से चलते हैं, दर्शन करते हैं माता रानी का। तो बने रहिएगा ब्लॉग के साथ। मेरे हस्बैंड ने ना कुछ पूछा बच्चों से, आपने क्या पूछा? ड्रेस के लिए जिद्दी करोगे? हाँ करेंगे। तो हमारे बच्चे ऐसे, मेरे हस्बैंड ने बोला टॉयज के लिए जिद करोगे, वहाँ पे टॉयज यानी कि मेला हल्का छोटा मोटा लगा होगा आई थिंक, तो बच्चे वही जिद करते हैं। और वहाँ पे ऐसा होता है ना कि कोई यूजफुल चीज हो ना जिससे कि पैसा बर्बाद ना हो, तब तो लिया हुआ भी ठीक लगता है, लेकिन जो मेला होता है ना इसके जो टॉयज होते हैं वो खराब हो जाते हैं कुछ दिनों में। तो बच्चे, बस बच्चे होते हैं तो वो बोल रहे हैं कि हाँ हम करेंगे, ये सोचते थे कि मेरे बच्चे एकदम शांत हो गए ना। चलो इधर, वहां देखो आ रहा। जय माता दी, यहाँ पे हवन कर। जय माता दी। तो ये है हमारी कटासन देवी माता का मंदिर। हमने कटासन माता का माथा टेक लिया है और मंदिर से हम बाहर आ गए हैं। ज़्यादा वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि ठीक नहीं लगता मंदिर में जो वीडियो बनाना। अब हम जा रहे हैं भंडारा थोड़ा बहुत प्रसाद खाने के लिए, और फिर प्रसाद खाएंगे और फिर बच्चों के लिए थोड़ा बहुत मेले से कुछ लेंगे और फिर हम निकल जाएंगे घर की तरफ। तो हम लोग भंडारा खाने के लिए बैठ गए हैं। क्या भी क्या करते हैं? तो मारते हैं जब प्रसाद नहीं खाते तब मारते हैं भगवान जी। अच्छा, तो ये राइस कड़ी छोले हमारा प्रसाद आज का। वो
देखो असली का सांप जैसा है, देखो तो, वो देखो असली का सांप नहीं। और उसने ले लिया जेसीबी। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो टाइम हो चुका है 5 बजे का, और वहाँ से आने के बाद ना सबसे पहले तो कपड़े उठाए, क्योंकि कपड़े देखो मेरे, आज मैंने इतने सारे कपड़े धो रखे ना, वो वहाँ से लेकर यहाँ तक के ये सारे मैंने कपड़े धो रखे हैं। मेरे को ना कपड़े धोने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मशीन में ही धोना है, लेकिन अप डाउन करते करते इतना ज़्यादा थक जाते हैं ना, और इसके बाद इसको प्रेस करो, इसको फोल्ड करो। तो अभी तो मैं सिर्फ फोल्ड करूँगी, प्रेस तो जब पहनना होगा तभी करूँगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। और आरव गया ट्यूशन, मेरे हस्बैंड उसको छोड़ के आए, फिर मैंने आरुष को सुलाया। मेरे हस्बैंड ने बोला तुम काम कर लो, मैं देख लेता हूँ आरुष को, और उन्होंने बोला मैं देख लेता हूँ। मैं थोड़ी देर बाद गई तो दोनों के दोनों सो रखे थे। और यहाँ पे देखिए, ये मैंने पहन रखा है जो वॉर्म वाला नाइट सूट होता है ना, वो ये मेरे हस्बैंड लाए थे पिछली बार दुबई से, लेकिन मुझे पहनने का टाइम नहीं मिला था। टाइम भी क्या कि उस टाइम गर्मी थी तो पहनना कैसे था, लेकिन अब मैंने पहन लिया है। तो बताना कैसा लग रहा है, मेरे हस्बैंड की चॉइस कैसी है बताइएगा। और अभी रेस्ट कर रहे हैं दोनों, तो फटाफट से मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो आज हमने बहुत अच्छे से माता रानी के दर्शन भी कर लिए, प्रसाद भी ले लिया, प्रसाद भी चढ़ा दिया, और बहुत अच्छा लगा जाके। क्योंकि बहुत ऐसे ऐसे टाइम होता है ना जब अपने हस्बैंड के साथ कहीं जाने का मन करता है, लेकिन क्या करें, जॉब भी जरूरी है उनके लिए, वो भी ज़रूरी है, हम लोगों के लिए ही कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं। तो अच्छे से दर्शन भी हो गए, हमने भंडारा भी बहुत अच्छे से खा लिया, और आराम से हम आ गए। बच्चे टाइम टू टाइम सो गए, ट्यूशन चले गए, तो और क्या चाहिए, है ना। तो चलिए फिर मिलती हूँ अब थोड़ी देर में, फटाफट से अपना काम खत्म कर लेती हूँ। और वीडियो पसंद आ रही है ना आपको, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिए ना भूलिएगा। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, जय माता दी आप सभी को। तो हम लोग जा रहे हैं एकदम रेडी होके, यहाँ पे हमारे एरिया में जागरण है वहाँ पे, तो मैंने सोचा आप लोग भी चलिए और जागरण का मजा लीजिए। पहले जाएंगे हम भंडारा खाएंगे, और उसके बाद हम लोग बैठेंगे जागरण में, देखते हैं कितनी देर तक बैठते हैं, लेकिन माथा टेक के तो ज़रूर आएंगे। तो चलिए चलते हैं, मेरे हस्बैंड, बच्चे, मम्मी सब लोग रेडी हो चुके हैं, बस अब जाना है और वहाँ पे माथा टेकना है। तो बने रहिएगा ब्लॉग के साथ, वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब टू मेरे चैनल। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे कड़ी, छोले, कद्दू की सब्जी, पूरी और राइस, ये हमारा आज भंडारे का खाना। यहाँ मैं मिल रही हूँ आपको सीधा 11:30 बजे। अब मैं जा रही थी सोने के लिए, और हम लोग अप्रॉक्स 11 बजे तक घर में आ गए थे, क्योंकि आरुष ना वहाँ पे इतना ज़्यादा तंग कर रहा था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। कभी उछल रहा इधर, कभी इधर उछल रहा, ऊपर से ना सॉक्स पहन रहा ना कैप पहन रहा था, मुझे तो डर लग गया सच में। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला चलो चलते हैं माथा, हमने टेक लिया था, और बहुत अच्छे से हमने माता रानी का भजन भी सुना, गणेश जी के भजन भी सुना, उसके बाद हम लोग वहाँ से आ गए। बैठने का मन तो था, लेकिन क्या करें, बच्चे बैठने ही नहीं देते कहीं भी। और अब बच्चे जा चुके हैं सोने के लिए, हम वहाँ से आए, फिर हमने कपड़े कपड़े चेंज किए, बच्चों को चेंज करवाया। मैंने किचन में बर्तन बर्तन थे ना थोड़े बहुत, वो धोए, और जो भी खाली खुली करना था, दूध रखना था, वो सब कुछ रख दिया है। और अब हम जा रहे हैं सोने के लिए, क्योंकि सुबह है अष्टमी और हमें माथा टेकने जाना है हमारे गांव में। मेरे हस्बैंड आए हुए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं गए थे ना क्योंकि बड़े पापा और भी अष्टमी के दिन ही जाते हैं, तो हमने सोचा चलो हम लोग भी अष्टमी में ही जाएंगे।
तो अब जा रही हूँ मैं सोने के लिए, मिलती हूँ न्यू ब्लॉग न्यू वीडियो के साथ। होप आज की वीडियो, आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। न्यू है चैनल में तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा। मिलती हूँ न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक ले बाय दोस्तों, टेक केयर ऑल, जय हिंद जय भारत जय माता दी।